तो आज मैं उसको देकर रहूंगा, क्योंकि अगर आज ये वैक्सीनेशन मैंने नहीं दी तो बाद में बहुत सारी बीमारियां जो इस बच्चे को लगने वाली है, पूरी जिंदगी उनकी वजह से परेशान रहेगा। राइट और नॉट? राइट और नॉट? सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सेल्स मीटिंग के लिए जाएं, अपने प्रोडक्ट मीटिंग के लिए जाएं, तो इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आप आज की नहीं सोच रहे, आप किसकी सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं। और इसमें फायदा किसका है? जो प्रोस्पेक्ट मेरे सामने बैठा हुआ है, फायदा उसका है। और उसके फायदे के लिए मुझे आज ये कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये सब हाँ जी, ये सब लो, ये सब लो, ये सब लो। क्या उस समय? और बहुत सारे केस में तो मम्मी को भी संभालना पड़ता है, राइट ना? मेरी वाइफ है, मतलब साथ में उनको भी संभालना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है, राइट? और कई बार मुझसे बोलता तो घर रह मैं जाता हूँ यार। क्यों? क्योंकि अगर मैं अकेला जाऊंगा तो एक को संभालना है, तू साथ जाएगी तो दो को संभालना। बट कितना भी बुरा लगे, कितना भी इधर पिच हो, राइट ना, वी डू इट प्राउडली बिकॉज हमें ये पता है ये आज की दर्द, ये आज का इंजेक्शन उसके आने वाले सुनहरी भविष्य के लिए। हाँ जी, ये सर लो, ये सर लो। तो मैं बना रहा है या कुछ भी कह रहा है, आपके माइंड में क्लियर है कि आप ये कर क्यों रहे हैं? हाँ जी, कर क्यों रहे हैं? राइट करो। हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने तो इवन मुझे ये भी बोला कि गौरव बजाज तुम मेरी सेल क्लोज मत कर, तुम मुझे मत जोड़ अपने साथ, क्योंकि मैंने आज से पहले जितने भी कामों के अंदर शुरू किया वो कंपनियां ही बंद हो गई। वो कह रहा मेरे चक्कर में तेरी चेन भी रुक जाएगी, तू मुझे जहां लगाएगा वहां में सब ब्लेंड हो जाएगा। नहीं कर रहा बिकॉज आज से पहले भी मेरी जिंदगी के अंदर ये सब कुछ हुआ। पीपल हैव गॉट सो मेनी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, लेकिन हमेशा मेरे दिमाग में एक ही चीज रही, आज से पहले मेरी जिंदगी में क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, ये अलग है, ये खास है, तू और मैं मिलकर करेंगे, वी विल चेंज एवरीथिंग। राइट और रॉन्ग? This is very very important. That is your role is like a father, right? जिसको इतने सारे बच्चों को वैक्सीनेशन करना है, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा डर खत्म हो गया, राइट ना? जब मेरे को ये वाली बात समझ में आई, राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सामने वाला जितने मर्जी बहाने बना सकता है, एक्सक्यूज बना सकता है, लेकिन उससे यहाँ UCY3 में जितने लोग बैठे हैं, आज के बाद अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट ना? यस, यस और नो? वेरी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इट्स एन अरेंज मैरिज, याद आ गया? हाँ जी, यस और नो? एक है लव मैरिज, एक है अरेंज मैरिज, राइट ना? और इस बिजनेस के अंदर जो आपकी मेरी मीटिंग्स है, दे आर लाइक अरेंज मैरिज। सामने वाला ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है हमारे को कि ये बिजनेस उसके लिए नहीं है, आप हमें ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी उसी के लिए है, ये प्रोडक्ट उसी के लिए बना है, राइट और नॉट? और हम आज से पहले कभी भी नहीं मिले, होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? So this is very very important, my dear friends, right? कि वो अपना बेस्ट दिखा रहा है ना करने के लिए, मैं अपना बेस्ट दिखा रहा हूं उसे शुरुआत करवाने के लिए, करेक्ट? यस और नो? वो मैं इस बिजनेस में पार्टनर बनने चाहिए, ये मेरी कोशिश है, राइट? और मैं उसे ये बेस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। So when this thought process is there in the mind, it works like anything. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेटजी नंबर 5, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिंदगी में ज्ञान नहीं लेना चाहता, नॉलेज नहीं लेना चाहता, बिलीव मी, इवन स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भी सबसे बड़ा इशू क्या है टीचर्स का, कि बच्चे पढ़ना, हाँ जी, बच्चे पढ़ना। और मैं देखता हूं कि इस बिजनेस में आने के बाद लोग लोगों को पढ़ाना बहुत चाहते हैं, समझाना बहुत चाहते हैं और नॉलेज बहुत देना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये वाली बात लिखी। माय डियर, बहुत सारे लोग सेल्स के दौरान भी यही करते हैं, नॉलेज 15-20 किलो का नॉलेज देना चाहते हैं सामने वाले, भर भर के, ये भी ले, ये भी ले, अच्छा नहीं मान रहा ये भी ले, अच्छा नहीं मान रहा ये भी दे, अच्छा नहीं मान रहा वो भी दे, और तीन तीन चार चार घंटे तक भी वो मीटिंग्स जा रहे हैं। कोई इतना ज्ञान लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो डोंट वर्क लाइक ए सेल्स पर्सन, बी देयर वेल विशर्स एंड Your role is of consultant. आपका रोल क्या है? कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट क्या करता है?
मतलब हिंदी में समझाइए। देखिए कंसल्टेंट में सबसे अच्छी बात क्या होती है उसको समझिए, कौन सा व्यक्ति अच्छा कंसल्टेंट होता है, जो व्यक्ति बोलता कम है सुनता ज्यादा है। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप सेल्स मीटिंग में जाए, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को वो वैसे बटन ऑन करते हैं और उसके बाद शुरू हो जाते हैं and they have so many things to tell, इतना कुछ है बताने के लिए, चले जा रहे लास्ट में कॉल मारते हैं। आपको सुनना है, this is the most important, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, right जी? हाँ जी, getting my point? तो आज से कंसल्टेंट बनने का रोल संभालिए, समस्या समझिए पहले। जब तक आप समस्या नहीं समझेंगे तब तक आप बेस्ट सोल्यूशन दे नहीं पाएंगे, राइट जी? सुनना है, आप सुना कुछ और देंगे, सुनना वो कुछ और चाहता है। अगेन पहले शब्द पे जाता हूं, क्या नहीं बनेगा? सवाल उसका कुछ और है, समस्या कुछ और है। आप 10 समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसको उस समस्या का हल चाहिए जो उसे लगता है उसकी समस्या है, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, राइट और रॉन्ग? उसे उस समस्या का हल नहीं चाहिए जो आपको लगती है, उसे उस समस्या का हल चाहिए जो उसे लगता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, समझिए। हाँ जी, ये सुनो, उसे वो नहीं सुनना जो आपको लगता है कि भाई तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तू कितने नॉर्मल से घर में रह रहा है, तेरे पास गाड़ी भी नहीं है, तेरा बैंक बैलेंस भी अच्छा नहीं है, तो आपको दिखता है, उसे क्या दिखता है? तो सबसे पहले उसको सुनिए, उसको क्या प्रॉब्लम महसूस होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अब उसका इलाज कीजिए और उसके बारे में बात कीजिए और आपकी सेल का कन्वर्जन बढ़ेगा। माय डियर, यस, बी ए गुड लिसनर। क्या बनना है? अच्छा वक्ता बनना जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में, मैं जानता हूं आपने और मैंने बहुत ट्रेनिंग ली है, लेकिन अच्छे वक्ता से ज्यादा जरूरी हमें एक अच्छा लिसनर बनना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस टू विन दिस सेल, राइट? आप लोग मेरे साथ हैं? So this is important. Next, very important. Sale closing, all predictable. We have already covered it. कैसे? जो भी सवाल उसने पूछने हैं, वो सारे सवाल आपको already पता है। वो सारे सवाल already पता है, believe me. Fix है. जिस दिन मैंने बिजनेस को शुरू किया, तब से लेके आज तक, right? ऐसा कोई नया सवाल पैदा नहीं हुआ। उसे इंडस्ट्री के ऊपर सवाल हो सकता है, अपने ऊपर सवाल हो सकता है, आपके ऊपर हो सकता है, प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकता है, राइट? लेकिन ये फिक्स है, बस दैट्स इट। इसलिए मैंने लिखा 90% इट्स प्रिडिक्टेबल, 90% ये प्रिडिक्टेबल है, इससे फर्क नहीं पड़ता, फिक्स है। ये जो 10% न्यू है, क्योंकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नए हैं, 6 महीना हुआ, साल हुआ, तो बाय चांस ऐसा कुछ नई चीज निकल आई, लेकिन व्हाट विल हैपन 1 ईयर डाउन द लाइन, 2 ईयर डाउन द लाइन, यू नो एवरीथिंग। और एक चीज बोल के मैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे बढ़ता हूं कि जितना इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए चाहिए और एक 6-7 फिगर का इनकम बनाने के लिए चाहिए, वो सब आपको UCY 3.0 से कल शाम तक मिल जाएगा। के बाद और ढूंढने की बजाय अपनी इनकम पे ध्यान देना है यहां से जाने के बाद। कितने लोग ये प्रॉमिस कर सकते हैं? लाखों रुपए की इनकम बनाने के लिए चाहिए right now. यहां से जाने के बाद एक ही काम होगा, that will be action और implementation, not grasping more and more and more. क्योंकि पढ़े लिखे तो आपके और मेरे टीचर और प्रोफेसर भी बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन इस प्रोफेशन के लिए जो कामयाब होने के लिए चाहिए वो कल शाम तक हम आपको सब देकर भेजने वाले हैं, my dear friends, right? Right? एक बार क्लैपिंग हो सकता है? जाने का, नाचने का तो जब मौका मिले कर दो।